आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, हाउ टू अवॉइड कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके। ये जो मालूम आज मैं शेयर करूँगी ये सारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है, उनकी वेबसाइट से। मज़ीद आप भी उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उनकी वेबसाइट का। क्लीन हैंड्स विद सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, हाथों को साबुन और पानी या अल्कोहल और पमंदी हाथ से लगाने साफ करें। यकीनन बेहतरीन हल पानी से हाथ धोए साबुन और पानी से 20 सेकंड तक, ये बेहतरीन हल है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया, तब आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र न होने के बराबर है, इसलिए हम सोप को ज़्यादा तरजीह दें कि साबुन से ज़रूर धोए हाथ 20 सेकंड के लिए एटलीस्ट। उसका एक ख़ास तरीका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे बताया गया है, अगर आप देखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगी। और ये है हाथों को सैनिटाइज करने का तरीका, लाजमी करें, ये बहुत अहम है कोरोना वायरस से बचने के लिए और ये पहला स्टेप है। फिर है अपनी खांसी या नो खांसी, या आपको अगर खांसी आए या छींक आए तो अपना नाक ज़रूर कवर करें, इस तरह बीमारियाँ और जर्म्स ज़्यादा फैलते हैं। कवर नोज़ एंड माउथ व्हेन कॉफिंग एंड स्नीजिंग विद टिश्यू और फ्लेक्स्ड एल्बो, सबसे बेहतरीन तरीका ये है अपनी कोहनी को टेढ़ा करके उसमें खांसें और छींक आए तब भी ऐसा करें, वरना कवर करना लाजमी है। ये अब दूसरा अहम है काम, वो ये है कि अपनी खांसी और छींक आए तो ज़रूर कवर करें ताकि आगे मज़ीद जर्म्स ना फैल सकें। अवॉइड क्लोज कंटैक्ट विद एनीवन विद कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर आपको लगता है किसी को कोल्ड है या फ्लू है उनसे ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बाहर दफ्तर में काम करते हैं तब भी ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार है हाल और वाब है तो एटलीस्ट 6 फुट का फासला रखें, ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है जब भी आप मीट को कुक करें या अंडे को बनाएं, अच्छी तरह बनाएं, गोश्त और अंडे को अच्छी तरह से पका लें। सबसे अहम है कि गोश्त को अच्छी तरह भूनें और बनाएं, अंडा भी इसी तरह, ये दोनों चीज़ें अहम हैं। थोरली कुक मीट एंड एग्स। फिर है अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवर से गैर महफूज रबते से गुरेज करें। जैसे कि अगर आपके डेयरी फार्म है या फार्म हाउस है तो यकीनन आप ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें और इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें कुछ दिनों के लिए। फिर है अपने आप को, अगर आप बीमार फील कर रहे हैं तो अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट करें और अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे आपको बुखार कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, 3 दिन तक एटलीस्ट, और फिर जाएँ आप, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर आप जाएँ हॉस्पिटल। ये बहुत अहम है, जैसा कि बताया गया ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया गया। डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं।